अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। डे वन के ऊपर पाकिस्तान ने सिर्फ 158 ही बोर्ड पर लगाया है, क्योंकि गेम सिर्फ 41 ओवर की हुई है। वैसे बड़ी शर्म की बात है, बाबर आजम और शान मसूद का जितना बड़ा नाम है ना, एक ने 6 बनाया, दूसरे ने डक बनाया, पिंडी का रोड ही कंसीडर किया जाता है। चाहे जैसी भी विकेट हो, ग्रीन विकेट के यानी के नारे लगाए जाए, लेकिन पिंडी का फट्टा, पिंडी का रोड ही कहा जाएगा। कोई अलग मूवमेंट नहीं मिल रही थी। यकीन करें, जिस हिसाब से बाबर आजम और शान मसूद ने विकेट्स फेंकी है ना, ऐसे लग रहा था कि इन्होंने पहले यानी कि क्रिकेट खेली नहीं है। और इसके अलावा साइम अजूब और साउथ शकील ने जिस तरीके से फाइट बैक किया, वो फिनोमिनल है, वो अनबिलीवेबल है। और साउथ शकील ने तो जनाब रिकॉर्ड सेट कर दिया पाकिस्तान के लिए, उन्होंने तेज तरीन रन टेस्ट के अंदर 1000 रन कंप्लीट कर डाला है। सईद अहमद की भी तकरीबन 20 इनिंग के अंदर यानी कि 100 रन उन्होंने कंप्लीट किया। और जो साउथ शकील, उन्होंने भी यानी कि वो फास्ट टेस्ट की दौड़ में है, जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए हैं 20 इनिंग्स जस्ट यानी कि 20 मैचेस के अंदर। तो ये वाकई भाई उनकी बहुत बड़ी काबिलियत है। इसके अलावा साइम अजूब, जिसके ऊपर तवक्को नहीं थी कि बंदा भाई T20 का प्लेयर है, लेकिन उसने अपने आप को टाइम दिया और आज पहला टेस्ट के अंदर उसने अपना 50 जड़ा है। 98 बॉल्स के ऊपर साइम अजूब ने 56 रन बनाए, तो फिनोमिनल टाइप थी बंदे की और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकम्मल ली हुई थी। लेकिन भाई जिस तरीके से बाबर आजम और शान मसूद एक्सपोज हुए ना, शान मसूद की विकेट डू एंड डाई है कि भाई आउट था नहीं था, एक अलग यानी कि थ्योरी है। लेकिन बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, बाबर आजम साहब आप और टेस्ट के अंदर थर्ड रैंक के बल्लेबाज हैं, लेकिन जो आपने डिस्प्ले किया, जिस तरीके से आपने विकेट दी है, ये बाबर आजम को सूट नहीं करता है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप बाबर आजम की विकेट जाके देखें, यानी कि इस तरह मतलब जिस तरीके से बाबर आउट हुआ है, कोई टेल एंडर भी आउट नहीं होता है, कोई 11वें नंबर का गेंदबाज जो बैटिंग कर रहा होता है वो भी इस तरीके से आउट नहीं होता जिस तरीके से बाबर आजम हुआ है। और बाबर आजम को ये सूट नहीं करता, कितना बड़ा नाम है बाबर आजम का, लेकिन कोई खास नहीं कर पाया। तो बहरहाल जनाब, एंड ऑफ द डे 41 ओवर की जो गेम हुई है उसमें साउथ शकील को जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। फिलहाल नॉट आउट है, रिजवान स्टिल रिमेन है, वो खड़े हैं, उनके साथ 2 चौके वो भी लगा चुके हैं। तो पाकिस्तान ने 158 बनाए हैं, 41 ओवर की सिर्फ गेम हुई है। तो बहरहाल जो पहला दिन था उसमें यानी कि साइम अजूब और साउथ शकील ने सेव किया है, लेकिन पाकिस्तान की जब 16 रन के ऊपर 3 विकेट गिरी थी, अब्दुल्ला शान बाबर आउट हुए थे, तो हालात उस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लग रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है कि 100 के राउंड अबाउट भाई कहीं मतलब ठोस ना हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद रिस्पॉन्स जनाब अच्छा किया साउथ शकील और साइम अजूब ने। अपडेट से चले गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।